भगवान थोड़ा बड़े हुए तो नामकरण गर्गाचार्य जी ने यशोदा ये तेरे छोरे का नाम होगा, ये तेरी गोद में जो है इसका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। रोहिणी मां के पुत्र का नाम बलराम और यशोदा तेरे छोरे का नाम है जाएगो आज से कृष्ण, कर सतीति कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या है? जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले उनका नाम कृष्ण है, जो सबके हृदय में रमण करे उनका नाम राम है। रमन्ते योगिनाम यस सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करते हो उनका नाम राम। अब भगवान कृष्ण का और बलराम जी का नाम हुआ, दोनों गर्गाचार्य जी चले गए, भगवान थोड़ा बड़े हुए। भगवान जब बड़े हुए ना तो बच्चे जैसे उधम करते ना, शरारत करते, मस्ती, ऐसे भगवान मस्ती करते। कभी बछड़ों की पूं, बछड़ों के संग खेलते हैं भगवान। भगवान किनके संग खेलते हैं? बछड़ों के संग। और आप लोग आजकल के बच्चे कुत्तों के संग। भगवान कृष्ण बछड़ों के संग, बछियों के संग खेलते थे और आजकल के बच्चे कुत्तों के संग। इसलिए संस्कार भी भगवान बछड़ों की पूंछ पकड़ के दौड़ते थे। मैया 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 बोली, अरे मारेगी काहू की गैया, जइयो मत वहां गौशाला में, बड़ी गैया मार देगी। ना मैया मैं तो जाऊंगो। भगवान घुटनों के बल चलते और घुटनों के बल चलते मैया माखन निकाल के मटके में रख के कहीं काम पे लग जाती ना तो माखन निकाल के, और बचपन छोटे थे ना तब माखन खाते थे, माखन खाते माखन खाते। मैया देखी चौरे लाला, एक दिन भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे, छोटे छोटे बच्चे घुटनों के बल चलते ना, हम बचपन में घुटनों के बल जब चलते थे तो हमारे पांव में छिल गया। पहले बच्चे ना, पहले क्या घर कच्चे थे, अब पत्थर वत्थर सब में बच्चे, बच्चे तो बच्चे सब में चलते थे, हम लोग ना पूरी सड़कों में चलते थे घुटनों के बल, तो छिल जाते थे घुटने, इतने बड़े बड़े घाव हो जाते थे घुटनों में। आज तक घुटनों में वो घाव है, बचपन के निशान, मतलब घाव के निशान, घुटनों के बल जब चले थे ना तब के निशान। आजकल के बच्चे तो घुटनों के बल ज्यादा कहां चाहेंगे बेचारे, ना माटी खाने को मिलती है, ना बढ़िया सुंदर सी हवा है। भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल जाएं, कभी गौशाला की तरफ चले जाएं, कभी मैया के रसोई में घुस जाएं जहां मैया ने दही मक्खन रखा था, मटके से निकालें मक्खन का गोला। एक दिन भगवान ने देखा मैया नहीं है, घुटनों के बल दौड़े दौड़े आए, माखन का लौंदा हाथ में रखा और भगवान जा रहे थे कि वहां बैठ के खाऊंगा, तब तक मैया सामने आ गई। तो भगवान कैसे, एक हाथ नीचे ऐसे था और एक हाथ में लौंदा। भगवान घुटनों के बल थे, एक हाथ नीचे और एक हाथ में माखन का लौंदा, कि तभी मैया आ गई और मैया ने भगवान की छवि को अपने मन में बसाई। वही छवि जो मैया ने अपने मन में बसाई श्री कृष्ण की, वही छवि है भगवान की जो आपके घर में गोपाल जी के रूप में होती है, जिनको आप लड्डू गोपाल जी कहते हैं। ये जो लड्डू है ना, ये मोतीचूर का लड्डू नहीं है, ये माखन का गोला है। तो मैया यशोदा के मन में पहले यह छवि बसी थी, फिर मैया के मन की छवि को, फिर मैया से पूछा गया कि आप भगवान की किस छवि का ध्यान करती हैं? तो मैया, देखो बच्चे तो आपके होते हैं लेकिन बच्चों की कोई ना कोई छवि आपके अंदर बस जाती है, खाते हुए की, रोते हुए की, हंसते हुए की, बात करते हुए की, इत्यादि। तो भगवान कृष्ण की वो छवि मैया यशोदा के भीतर बस गई, जो भगवान हाथ में माखन का गोला और भगवान बिल्कुल खड़े और मैया को देख के मुस्कुराने लग गए कि मैया अब तो मेरी चोरी पकड़ में आ गई, सरेंडर। मतलब भगवान उस मुद्रा में कैसे थे? सरेंडर। अब उन्होंने क्या कर दिया मैया के पास? समर्पण। जैसे भक्त समर्पण करता है भगवान के चरणों में, उसी तरह भगवान का ये स्वरूप, ये विग्रह समर्पण विग्रह है भक्त के आगे, मैया के आगे भगवान ने समर्पण करा। मैया मैं देख, मतलब पकड़, चोर को पकड़। अब बच्चे चोरी से गुड़ खा रहे हैं या टॉफी खा रहे हैं और तभी मैया कोई देख ले तो फिर बच्चे क्या से होते, बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं, अब तो पकड़ी गई।
है ना, तो कोई ना देखे तो वो लगे रहे नहीं नहीं हमने तो खाई नहीं, नहीं हमने नहीं, और देख लिया तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाते। ऐसी भगवान श्री कृष्ण का वो स्वरूप है। इसलिए भगवान के लड्डू गोपाल जी ना घुटनों के बल की मुद्रा है ना। तो आप सबके घर में गोपाल, इसलिए सबके घरों में गोपाल जी होते हैं, और घर में कोई होना हो शालिग्राम जी और गोपाल जी और तुलसी जी, तीन चीजें घर में होनी चाहिए, और रामचरितमानस हो, भगवत गीता हो, और फिर जो पुराण हो महाभारत ग्रंथ हो, ये सब होने चाहिए। आजकल तो महाभारत लोग इसलिए नहीं रखते कि घर में महाभारत होता है। अरे रखोगे पढ़ोगे तो महाभारत नहीं होगा, नहीं पढ़ते इसलिए होता है। तो घर में क्या क्या होना चाहिए, गोपाल जी होने चाहिए, तुलसी जी होनी चाहिए, शालिग्राम भगवान हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, गोपाल जी ठीक है पर हो तो अच्छा। शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुषों को करनी चाहिए, इसलिए लड्डू गोपाल जी की पूजा स्त्रियां कर लें और शालिग्राम जी की पूजा पुरुष कर लें, इसी बहाने पुरुष लोग पूजा पाठ से जुड़े रहेंगे, नहीं तो आलसी महाराज 10 बजे तक तो सोते हैं, कुछ नहीं रहेगा तो करेंगे क्या। और मैया आप ना शालिग्राम भगवान की पूजा मत किया करो, पति से कराया करो, बच्चों से, इसी बहाने वो करेंगे, तुम ही सब कर डालोगी तो वो क्या करेंगे।